नमस्ते स्टूडेंट्स। तो हम आज देखने जा रहे हैं रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का पार्ट 5। ठीक है, उसमें हमने लास्ट लेक्चर में थिन लेंस और ऑन अ कर्व्ड सरफेस और ये सारी चीजें देख ली थी। तो आज हम देखने जा रहे हैं उसके थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स, 3-4 अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं। ये न्यूमेरिकल्स जो सीबीएसई वाले हैं वो खास खास इन पे ध्यान देना। गुजरात बोर्ड वालों को मेजरली सारे न्यूमेरिकल्स टेक्स्ट बुक से ही आते हैं, बट मेरी रिक्वेस्ट है सीबीएसई वाले प्लीज इस पे ध्यान देना, ऐसे अटपट इस न्यूमेरिकल आएंगे और जो जेडब्ल्यू नीट प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके भी लिए काम आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ अ ग्लास स्फीयर इज 15 सेंटीमीटर। देखो डायमीटर दिया हुआ है, अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द स्फीयर व्हिच कन्वर्जेस एट अ पॉइंट 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द पोल ऑफ द स्फेरिकल सरफेस। ये जो पोल मतलब जहां से वो पहले स्ट्राइक होता है उससे 30 सेंटीमीटर वहां पे जाके वो कन्वर्ज हो रही है। ओके, तो हमें पोजीशन ऑफ इमेज फाइंड करनी है, एक्चुअल इमेज कहाँ बनेगी। तो बेटा एक बात याद रख लेना, इसके आपके कितने सरफेसेस हैं, 2 कर्व्ड सरफेसेस हैं। यहाँ पे से जाके वो यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो यहीं पे इमेज बनेगी। फाइनल इमेज जहाँ पे बनेगी वो हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन समझे क्या है कि भाई ये आपका एक ग्लास स्फीयर है 15 सेंटीमीटर जिसका डायमीटर है, रेडियस 15/2 हो जाएगी, पहले जाएगा तो वो कन्वर्ज होगा और फिर कैसे होगा। मान लेते हैं एन की वैल्यू 3/2, मतलब इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 3/2, तो फाइनल इमेज कहाँ पे बनेगी वो हमें फाइंड करना है। इंशोर समझ में आ गया बेटा, पक्का? तो चलो सबसे पहले यू कितना होगा। इन द एब्सेंस ऑफ ग्लास स्फीयर, अगर ग्लास स्फीयर एब्सेंस होता तो ये दोनों रेज कहां पे मीट होती, ओ पे। बोथ रेज विल कन्वर्ज एट ओ, मानते हो? तो देयरफॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उसका क्या हुआ, यू इज इक्वल टू उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया पीओ, और सिंस ओ उस साइड है दैट इज कितना होगा प्लस 30 सेंटीमीटर। चेक कर लो, दिया हुआ है पीओ प्लस 30। एन वन एयर है, बार 1 ले लेते हैं। एन टू दिया हुआ है 3/2, 1.5 दिया हुआ है। रेडियस ऑफ कर्वेचर 15/2 कितना हो जाएगा, 7.5 सेंटीमीटर। प्लस क्यों होगा उसका रीजन मैं आपको बता देता हूं, आप इस साइड मेजर कर लो सब कुछ। नाउ सबसे पहला, एज द रे पासिस फ्रॉम रेरर टू डेंसर, सबसे पहले तो इस फेस पे मिलेगी, तो रेरर टू डेंसर हम कौन सा फॉर्मूला डालेंगे, हम फॉर्मूला डालेंगे एन टू बाय वी माइनस एन वन बाय यू इज इक्वल टू एन टू माइनस एन वन बाय आर। याद आया? तो एन टू हमारा कितना है, एन टू है हमारा 1.5 बाय वी माइनस एन वन है 1 बाय यू इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1 बाय आर। सारी वैल्यूज डाल दो, 1.5 बाय वी माइनस 1 बाय 30 था ना, 30 इज इक्वल टू 0.5 बाय आर कितना था, 15/2। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1.5 बाय वी माइनस 1 बाय 30, और ये कितना हो जाएगा 1/15। ये माइनस 1/30 उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस 1/13। अगर आप एलसीएम ले लोगे 30 और 15 का, इसका आंसर 30 आएगा। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3/30। तो 1.5 वी इज इक्वल टू 3/30, इसको कट करो ये हो गया 2, इसको कट करो हो गया 15। देयरफॉर वी की वैल्यू कितनी मिली, 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर कहाँ से बेटा, 15 सेंटीमीटर पी से। तो ये डायमीटर ही 15 सेंटीमीटर है, मतलब इमेज कहां पे बनेगी, एग्जैक्टली ऑन द सेकंड हाफ। तो इसका मतलब होगी देयरफॉर द इमेज विल बी फॉर्म्ड ऑन द सेकंड और अदर एंड एट हाइट। क्लियर हो गया, पक्का? चलो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। और बढ़िया सा क्वेश्चन देते हैं, अ पॉइंट ओ
मार्क्ड ऑन द सरफेस ऑफ अ ग्लास स्फीयर ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, या अ पॉइंट ओ मार्क्ड ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लास स्फीयर ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर इज व्यूड फ्रॉम द पोजीशन डायरेक्टली ऑपोजिट टू द पॉइंट ओ, मतलब बिल्कुल ओ से ऑपोजिट देख रहे हैं। तो हो गया क्या, देख रहे हो मतलब यहां से लाइट जाएगी तो वो बैंड होगी बिकॉज रेरर टू डेंसर, या डेंसर टू रेरर तो भी वो बैंड होगी, क्या बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5 फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। अब देखो आप इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, मतलब इस ऑब्जेक्ट से लाइट आपकी आंखों तक आ रही है। अब सिंस यहां पे वो डेंसर टू रेरर जा रही है इसलिए बैंड अवे, तो लाइट एक्चुअली मीट कहां पे होगी, इस पोजीशन पे मीट होगी, कहां पे, आई पे। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें वही आई फाइंड करना है, वी कितना होगा। बराबर, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया बेटा, किसी को भी कुछ डाउट नहीं है ना। तो अब इसको मान लेते हैं हम वी, ठीक है, ये हो गया आपका यू। यहां से मेजर कर रहे हैं तो आप चेक करो इस केस में आपका यू क्या होगा, इस केस में आपका यू होगा -20 सेंटीमीटर। एन वन कितना है, वो तो वन ही है, एन टू कितना है, 1.5 है। बराबर, एन टू कितना है, 1.5 है। डन, फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज, फाइनल इमेज मतलब आई, वो ही हमें फाइंड करना है। आर कितना हो जाएगा, रेडियस कितना आ जाएगा, -10 सेंटीमीटर, क्योंकि सब आप इस साइड देख रहे हो, इस साइड देख रहे हो, आपकी पोजीशन ये है और सब इस साइड देख रहे हो। ठीक है, तो एज लाइट पासिस फ्रॉम, कहां से पास हो रही है, कहां से, डेंसर टू रेरर मीडियम, आप फॉर्मूला कौन सा डालोगे बताओ। इस केस में आपने जो फॉर्मूला डाला था एन टू बाई वी, वो कहां से कहां पे था, रेरर टू डेंसर था, यहां पे डेंसर टू रेरर हो जा रहा है, इसलिए बेटा फॉर्मूला कौन सा डालोगे, एन टू बाई वी माइनस एन वन बाई यू इज इक्वल टू, एन वन बाई वी माइनस एन टू बाई यू, एन वन माइनस एन टू बाई आर। वहां पे अपना क्या था, ये देखो एन टू बाई वी, क्योंकि फ्रॉम डेंसर टू रेरर टू डेंसर था और यहां पे डेंसर टू रेरर, तो सब सिर्फ जगह इंटरचेंज कर दो, ठीक है, वैल्यूज डाल दो, एन वन वन बाई वी हमें फाइंड करना है, माइनस एन टू 1.5, यू कितना है -20, एन वन माइनस एन टू और आर कितना है -10। लिख लिया इतना, फिर कितना हो जाएगा 1/v माइनस माइनस प्लस, अब ये 1.5 होता है और 3/2 है, वो नीचे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 3/40। ओके, ये कितना हो जाएगा -0.5/10, -0.5/10, सो 1/v प्लस 3/40 इज इक्वल टू -0.5/10, मतलब 1/2, मतलब ये कितना हो जाएगा 1/20, इस साइड भेज दो, 1/v इज इक्वल टू -1/20 -3/40। एलसीएम ले लो 40, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, -2 प्लस 3/40 उस साइड जाएगा, ये माइनस माइनस नीचे भी माइनस था ना, सॉरी, तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, हाँ माइनस, हाँ, तो ये कितना हो जाएगा +2 -3, सो 1/v इज इक्वल टू -1/40, देयरफॉर v की वैल्यू कितनी हो जाएगी -40 सेंटीमीटर। नेगेटिव साइन इंडिकेट क्या करेगी, इमेज इज वर्चुअल, है वर्चुअल क्यों सर, भाई नेगेटिव यू है मतलब जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड इमेज बन रही है, ये मिरर नहीं है, लेंस है बेटा, मिरर में अगर नेगेटिव आया तो समझ लेने का कि वो रियल है, बट लेंस में अगर नेगेटिव आया तो समझ लेने का वो वर्चुअल है। क्लियर हो गया, पक्का, डन, सो दिस इज योर आंसर, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच सरफेस ऑफ अ बायकॉनकेव लेंस, बायकॉनकेव लेंस मेड अप ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, यहाँ पे दो
अभी देखो बेटा यहाँ पे है ना, वहां पे एक ही सरफेस था, अब यहाँ पे दो सरफेस, मतलब ये वाला केस बायकॉनकेव लेंस इसको बोलते हैं, ठीक है, कॉनकेव, सॉरी बायकॉनकेव तो फिर ये होगा, ये वाला, क्लियर, बायकॉनकेव लेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बायकॉनकेव लेंस ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, मतलब हमारे पास एन कितना दिया हुआ है 1.5। अब एक रेडियस माइनस होती है ये आप जानते हो, और दूसरी रेडियस क्या होती है प्लस होती है ये भी आप जानते हो, क्योंकि आपके पास अगर ये सरफेस है तो इसका रेडियस इस साइड होगा और इसका रेडियस इस साइड होगा, ये आर वन है जो नेगेटिव होगा, ये आर टू है सो पॉजिटिव होगा, क्लियर विद दिस पार्ट। तो हमें तो क्या फाइंड करना है, फोकल लेंथ, तो 1/f कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, याद आया 1/f इज इक्वल टू एन माइनस वन 1/r1 माइनस 1/r2, 1/f n इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1, 1/r1 इज माइनस 30, तो 1/f इज इक्वल टू ये हो गया 0.5 माइनस 1/30 माइनस 1/30 माइनस 2/30 मतलब माइनस 1/15, तो 1/f इज इक्वल टू माइनस 0.5 मतलब ये नीचे जाएगा तो माइनस 30, तो देयरफॉर f की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस 30 सेंटीमीटर। इजी इजी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बायकॉनवेक्स लेंस हैज अ फोकल लेंथ 2/3 टाइम्स द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ आइदर साइड, फोकल लेंथ इज 2/3 टाइम्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। आप बोले सर फोकल लेंथ हमेशा 2 बार नहीं होती, ना जी ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ओके okay? वो आप लोअर स्टैंडर्ड तक कैसे पढ़ते थे, अब सबको पता है कि ये कौन सा है R1, हाँ बाय कॉन्वेक्स के लिए ऐसा होता है, मतलब इसका R1 इस साइड और इसका R2 इस साइड, इसलिए R1 पॉजिटिव और R2 नेगेटिव R, समझे, बाय कॉन्वेक्स है, और ऐसे MCQs में क्वेश्चन आएंगे देयर, तो हमें क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, तो 1/f का फॉर्मूला आपको पता है n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2 1/f, चलो एज इट इज रख लेते हैं, एन माइनस 1 एज इट इज रख लेते हैं, 1/r1 r माइनस 1/r2 इज माइनस r, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, सो हम कहाँ पे थे, हम यहाँ पे थे, n की वैल्यू आप क्या डालोगे, n की वैल्यू तो फाइंड करनी है सर, क्या डालेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1/r प्लस 1/r 2/r, अब 1/f है तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 3/2r हो जाएगा, 3/2r क्योंकि इसका रेसिप्रोकल 2r/3, n माइनस 1 तो ये क्या हो जाएगा 2/r, आर आर कैंसिल हो गया, इस 2 को नीचे लेके आओ तो ये क्या हो जाएगा 3/4 इज इक्वल टू एन माइनस 1, और माइनस 1 उधर लेके आओ तो n की वैल्यू 1 प्लस 3/4, तो इसका आंसर आ जाएगा 7/4, दैट इज 0.75, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, आपको सिर्फ लॉजिक लगाना है, एक फॉर्मूला याद रखना है, दैट्स इट, क्या बोला है ऑफ द लेंस, बाय कॉन्वेक्स लेंस, बाय कॉनकेव लेंस, दो सरफेस, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 0.2 मीटर एंड मेड ऑफ ग्लास इज इमर्स्ड इन वाटर, फाइंड द चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ लेंस, अगर आप पानी में डाल दोगे तो फोकल लेंथ सेम रहेगी या चेंज होगी, तो ऑफकोर्स चेंज होगी, तो सबसे पहला For glass lens in air, अगर आप उसको हवा में रखोगे तो उसका क्या हो जाएगा NAG, refractive index of glass with respect to air, okay? कितना हो जाएगा 1.5, और focal length in air उसकी कितनी है 0.2 meter, तो आपको पता है 1/FA is equal to formula है उसका क्या NAG minus NG होता है ना NG होता है, इफ मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ तो मुझे माफ कर देना, आप लोग चेक कर देना, इसका मतलब ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ओके, या फिर एक काम कर देते हैं ना, हम दूसरे तरीके से लिख लेते हैं जिससे क्लियर हो जाए, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर माइनस वन, ओके, फॉर्मूला क्या होगा 1/r1 माइनस 1/r2, सारी वैल्यूज डाल दो, 1/0.2 इज इक्वल टू एन ए जी क्या होगा बेटा दिया हुआ 1.5 माइनस 1, और ये क्या होगा 1/r1 माइनस 1/r2, इसको नंबर 1 करके छोड़ देते हैं। दूसरा, फॉर द सेम लेंस बट कहां पे सेम लेंस इन वाटर,
तो हमारे पास ये वाटर का दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना दिया हुआ, 1.33। अब देखो यहाँ पे आपको अगर फॉर्मूला याद हो ना, तो 1/f इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, N2/N1-1, बट यहाँ पे बार एयर है इसलिए हमने N1 नहीं लिखा। अब यहाँ पे हमारे फॉर्मूला में FW, अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर और माइनस वन, 1/R1-1/R2 नंबर टू। अब डिवाइड वन एंड टू कर दू मैं सिर्फ डिवाइड वन एंड टू कर दू मैं सिर्फ तो क्या होगा डिवाइड वन एंड टू, अगर आप चेक करो तो ये दोनों तो उड़ गए, ये क्या होगा 1/0.2 इज इक्वल टू यहां पे क्या होगा 1.5-1 मतलब 0.5 होल अपॉन यहां पे क्या होगा 1/FW और यहां पे क्या होगा W एंड G और माइनस वन। अब देखो ये ऊपर चला जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा FW बाय 0.2 इज इक्वल टू 0.5। अब इसकी बारी NWG मतलब क्या, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अब यहाँ पे देखो मैं आपके लिए साइड में सॉल्व करता हूँ, इसका मतलब होगा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ऊपर होगा विद रिस्पेक्ट टू एयर और वाटर नीचे होगा, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर मतलब ऐसे लिखते हैं ना, तो ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5, एयर का कितना है 1.33-1, तो FW by 0.2 is equal to 0.5, LCM लोगे तो 1.5-1.33 मतलब 0.17 by 1.33। अब इसको ऊपर लेके जा, तो FW is equal to 0.2 पर चला जाएगा, 0.2 into 0.5 into 1.33 upon 0.17 और सब कुछ कैलकुलेशन करोगे तो फाइनल आंसर आएगा 0.78 मीटर। अब बच्चे ना खुश हो जाएंगे आंसर आ गया, बट मैं बोलूं नहीं आया क्योंकि पूछा है चेंज इन फोकल लेंथ, तो देयरफॉर चेंज इन फोकल लेंथ कितना होगा 0.78-0.2 कितना होगा 0.58 मीटर, कितना बेटा 0.58 मीटर। क्लियर डन, चलो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, न्यूमेरिकल सारे ऑलमोस्ट खत्म कर दिए, नेक्स्ट टॉपिक जो है जिसका नाम है पावर ऑफ अ लेंस, बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक है बराबर है और थियरी वाइज भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज ध्यान से देखिएगा पावर ऑफ अ लेंस होता क्या है। आपने ऑलरेडी लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ाई है पावर ऑफ अ लेंस किसे कहते हैं, बराबर है। तो पावर ऑफ अ लेंस इज अ मेजर ऑफ द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, कितना रेज कन्वर्ज होगी और कितना रेज डाइवर्ज होगी विच अ लेंस introduces in the light falling on it, जो भी light lens पे गिरेगी तो उसके कारण कितना converge होगी, या जो भी light lens पे गिरेगी उसके कारण कितना diverge होगी, उसे हम क्या बोलेंगे power of lens। Clearly a lens of shorter focal length bends the incident light more, जितनी focal length कम होगी उतना वो bending ज़्यादा होगा, while converging it in a case of convex lens and diverging it in a case of concave lens, convex lens हमेशा converge करेगी और कॉन्वेक्स लेंस हमेशा कॉन्वेक्स लेंस हमेशा कन्वर्ज करेगी और कॉनकेव लेंस हमेशा डाइवर्ज करेगी। पावर पी ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज द टेंजेंट ऑफ द एंगल बाय विच इट कन्वर्ज और डाइवर्ज अ बीम ऑफ लाइट फॉलिंग एट अ यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से एक यूनिट दूर जितना उसका टेंजेंट ऑफ एंगल जितना वो बेंड होता है उसे हम क्या कहेंगे पावर ऑफ अ लेंस कहेंगे। आगे समझ में पक्का, तो यहां से आप फिगर से चेक कर सकते हो, फ्रॉम फिगर चेक दिस आउट, 10 डेल्टा का फॉर्मूला क्या आएगा, 10 डेल्टा इज इक्वल टू ऑपोजिट बाय एडजेसेंट h बाय f। मान लेते हैं इफ h इज इक्वल टू 1, जैसे बोला है ना यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर से यूनिट डिस्टेंस ऊपर रहेगी, h की वैल्यू 1 मान लेंगे तो 10 डेल्टा इज इक्वल टू 1/f बराबर है। बट आपको यह भी पता है कि फॉर स्मॉल एंगल, याद है फॉर वेरी स्मॉल एंगल हम क्या लिख सकते हैं, 10 डेल्टा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा, तो देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/f, और वो जो डेल्टा है
वो ही आपका पावर है, दैट इज पावर इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू 1/f। क्लियर हुआ, बराबर है, किसी को डाउट बेटा? सिंपल सी चीज है, देखो 10 डेल्टा फाइंड किया और उसके डेफिनेशन में ये है कि भाई यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, लाइट फॉलिंग एट यूनिट डिस्टेंस, ऑप्टिकल सेंटर से एक यूनिट डिस्टेंस जितना फॉल होगी और वहां से वो जितना डाइवर्ज और कन्वर्ज होगी उसके एंगल का 10 फाइंड कर लो, वही आपका क्या होगा, पावर हो जाएगा। तो ये पावर का फॉर्मूला है, डन। ओके, द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ अ लेंस इज डायोप्टर, दैट इज 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1/मीटर। द पावर ऑफ लेंस अ फोकल लेंथ ऑफ 1 मीटर इज 1 डायोप्टर। मान लेते हैं, देखो p इज इक्वल टू 1/f है, अगर f 1 है तो क्या हो जाएगा, 1 डायोप्टर, 1 मीटर, हां 1 सेंटीमीटर। पावर ऑफ लेंस इज पॉजिटिव फॉर कन्वर्जिंग लेंस एंड नेगेटिव फॉर डाइवर्जिंग लेंस। ये भी याद रख लेना, बहुत काम की चीज है ये। कन्वर्जिंग मतलब कॉन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव, क्योंकि फॉर देखो, फॉर कॉन्वेक्स लेंस आपको पता है f क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो पावर भी क्या होगा, पॉजिटिव। एंड फॉर कॉनकेव लेंस आपको पता है f क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए पावर भी क्या होगा, नेगेटिव। Thus, when an optician prescribes a corrective lens of power plus 2.5 diopter, the required lens is convex lens of focal length 40 cm. 2.5 diopter है, उसका मतलब P is equal to 1/f, therefore 2.5 is equal to 1/f, therefore f की value इसको solve करने से 40 cm आएगा। इसका answer meter में आएगा, तो meter से आप convert करोगे तो centimeter। और मान लो जिसका minus 4 diopter है, तो उसकी focal length कितनी होनी चाहिए? -25 cm। तो ये तो सिंपल सी बात है, बट ये याद रख लेना, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है बेटा, पक्का? आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल 9.8 टेक्स्ट बुक का है, एग्जांपल 9.8 बहुत ही बढ़िया सा एग्जांपल है, इतना बढ़िया एग्जांपल है कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इफ f इज इक्वल 0.5 फॉर अ ग्लास लेंस, व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस? तो सबसे पहले पावर इज इक्वल टू 1/f, f इज इक्वल टू 0.5, तो कितना आएगा, प्लस 2 डायोप्टर। कॉन्वेक्स है, कॉनकेव ये नहीं बताया, फोकल लेंथ पॉजिटिव है, नेगेटिव तो दिया नहीं हुआ। दूसरा क्वेश्चन, इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द फेसेस ऑफ अ डबल कॉन्वेक्स लेंस, डबल कॉन्वेक्स लेंस मतलब समझ रहे हो, ये वाली याद रखो बेटा, उसके उसके हिसाब से आर की वैल्यू डिसाइड होगी, आर वन क्या होगा, आर टू क्या होगा। तो रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ डबल फेस कॉन्वेक्स लेंस आर 10 सेंटीमीटर ओके एंड 15 सेंटीमीटर, इट्स फोकल लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। कन्वेक्स लेंस है मतलब f प्लस 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। r1 को मैं प्लस 10 सेंटीमीटर मान लेता हूं, क्योंकि पहला r1 होगा और दूसरा क्या होगा, r2, वो क्या हो जाएगा, माइनस 15 सेंटीमीटर। वापिस बता रहा हूं बेटा, इसका r1 यहां पे होता है और इसका r2 यहां पे होता है। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास, अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया बेटा, 1/f इज इक्वल टू n माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2, आपके पास सब वैल्यूज है, पुट द वैल्यूज, इतना तो आप मेरे लिए कर ही सकते हो, आई होप। तो देयरफॉर उसे n का आंसर आएगा 3/2। देन तीसरा, कन्वेक्स लेंस हैज 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ इन एयर, व्हाट इज द फोकल लेंथ इन वाटर? ये अभी हमने किया, ऐसा मुझे क्यों लग रहा है, हाँ अभी हमने किया ये रहा, ये ही क्वेश्चन देखो हमने किया, ये वाला क्वेश्चन किया ना, ऐसा ही है। ठीक है, कोई नहीं, पर स्पीड भी दिया हुआ है, तो थर्ड चेक कर लो, थर्ड क्या दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर क्या होगा, 1, चेक कर लो। अ कन्वेक्स लेंस हैज फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एयर, व्हाट इज द फोकल लेंथ इन वाटर? एयर में उसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, NA नाम दे देते हैं। ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 और लिक्विड या वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33। पहला, लेंस मेकर फॉर्मूला, 1/f इन एयर क्या होगा, एन जी माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू एयर इनटू 1/r1 माइनस 1/r2, नंबर वन ले लेंगे फॉर एयर। अब दूसरा, लेंस मेकर्स फॉर्मूला इन वाटर या लिक्विड, 1/fw इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2, नंबर 2।
डिवाइडिंग वन एंड टू, चेक करो सब कुछ कट हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा वन बाय एफ ए होल अपॉन वन बाय एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचेगा एयर का ग्लास का दिया 1.5 माइनस माइनस वन, और यहाँ पे ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर मतलब ग्लास ऊपर वाटर नीचे, मतलब 1.5 माइनस 1.33 माइनस वन, एफ डब्ल्यू ऊपर चला जाएगा, एफ डब्ल्यू हमें फाइंड करना है, एफ ए दिया हुआ ना दिया हुआ 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1 इज 0.5, और इसको सॉल्व करेंगे तो अरे यार ये सेम टू सेम वही आया, देयरफॉर एफ डब्ल्यू कितना होगा 78.2 सेंटीमीटर सॉल्व करने से। देखो आपका काम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस इन कॉन्टेक्ट, मान लो बहुत सारी छोटी छोटी लेंस है और वो एक कॉन्टेक्ट में है, ठीक है, तो वो किस तरह से काम करेगी। तो कंसिडर टू लेंसेज ए एंड बी ऑफ फोकल लेंथ एफ1 एंड एफ2 प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, देखो आसपास कॉन्टेक्ट में है, तो क्या लेट द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड एट अ पॉइंट ओ बियॉन्ड द फोकस ऑफ द फर्स्ट लेंथ ए, ओ से यहाँ पे आएगा। अब मान लो ये दूसरी थिन लेंस नहीं होती तो वो कहाँ पे जाके गिरता, आई वन पे, बट सिंस दूसरी थिन लेंस है उसके कारण और वो क्या होगा कन्वर्ज होगा, इसलिए फाइनल क्या आएगा उसका आई पे आएगा, समझ रहे हो। द फर्स्ट लेंस प्रोड्यूसेस इमेज आई वन एंड सिंस इमेज आई वन इज रियल इट सर्व्स एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड लेंस प्रोड्यूसिंग द फाइनल इमेज एट आई, वो जो आई वन पे इमेज बनेगी वो सेकंड लेंस के लिए क्या होगी ऑब्जेक्ट होगी, एंड फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय द फर्स्ट लेंस इज प्रिज्यूम्ड ओनली टू फैसिलिटेट डिटर्मिनेशन ऑफ द पोजिशन ऑफ द फाइनल इमेज। I1 एक्चुअली बनती नहीं है बट वो सिंस हमें कैलकुलेशन करना है इसलिए बताना पड़ेगा। इनफैक्ट द डायरेक्शन ऑफ रेज इमर्जिंग फ्रॉम द फर्स्ट लेंस गेट्स मॉडिफाइड इन अकॉर्डेंस विद द एंगल इन विच दे स्ट्राइक द सेकंड लेंस, जिस एंगल से यहाँ पे गिरेगी उस हिसाब से वो बैंड होगी। सिंस द लेंस आर थिन वी अज्यूम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस इज टू बी कोइंसिडेंट, बहुत छोटी लेंस है देखो नो डाउट इसका ऑप्टिकल और इसका ऑप्टिकल सेंटर दो अलग अलग है, बट सिंस छोटी लेंस है इसलिए उनके ऑप्टिकल सेंटर को मैं पी बीच में मान लेता हूँ, ये जो सेंटर है ना उसको पी मान लेता हूँ ऑप्टिकल सेंटर, डन क्लियर। अब देखो ये फॉर द फर्स्ट इमेज, अब देखो पहले के लिए इमेज कहाँ पे बनेगी बताओ, फॉर फर्स्ट लेंस इमेज कहाँ पे बनेगी उसका फॉर्मूला एक ही है, वन बाय वी वन माइनस वन बाय यू इज इक्वल टू वन बाय एफ वन, नंबर वन हो गया। दूसरे के लिए दूसरी लेंस के लिए इमेज क्या बनेगी, वन बाय वी इमेज उसकी वी पे बनी ना बेटा, माइनस वन बाय इमेज कहाँ पे बनी वी वन पे इज इक्वल टू क्या बनेगी वन बाय एफ टू, इसको नंबर टू नाम दे दो। अब इन दोनों को ऐड कर दो, वन बाय वी वन कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा वन बाय वी माइनस वन बाय यू इज इक्वल टू वन बाय एफ वन प्लस वन बाय एफ टू, हो गया एफ टू। बट आपको पता है 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f, तो therefore इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 by f is equal to 1 by f1 plus 1 by f2 लिख सकता हूँ, ये रहा। If two system lens is regarded as equivalent to a single lens system then the focal length 1 by f is equal to क्या मिल जाएगा 1 by f1 plus 1 by f2, मान लेते हैं कि ये दोनों मिलके एक लेंस है, मान लेते हैं कि ये दोनों लेंस है, आपको ये फॉर्मूला तो पता है ना, तो ये एक ही लेंस है तो 1 by v minus 1 by u की जगह पे मैं क्या डाल सकता हूँ 1 by f is equal to 1 by f1 plus 1 by f2, वो कंबाइन होगी। मान लो ऐसे तीन लेंस होती तो क्या करते, चार लेंस होती तो 1 by f is equal to क्या होता 1 by f1 plus 1 by f2 plus 1 by f3 and so on, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दो कॉन्वेक्स ही होनी चाहिए, एक कॉन्केव एक कॉन्वेक्स भी चलेगी, एक कॉन्वेक्स दो कॉन्वेक्स एक कॉन्केव भी चलेगी, सब चीजें अप्लाई कर सकते हो, तो दिस इज योर फाइनल फॉर्मूला, डन ओके। उसी के हिसाब से आपको पता है 1 by f is equal to power, तो p is equal to क्या हो जाएगा p1 plus p2 plus p3 up to so on, तो ये क्या हो गया पावर का फॉर्मूला। उसी के हिसाब से मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा m is equal to m1 into m2 into m3, ये आपके सारे डेरिवेशन हैं, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है इसलिए हम इसमें नहीं बढ़ गया, क्लियर हो गया। कॉम्बिनेट
फोकल लेंथ, कॉम्बिनेशन का पावर, कॉम्बिनेशन का मैग्निफिकेशन। तो थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स आज देख लेते हैं, आज न्यूमेरिकल ज्यादा है। सबसे पहला न्यूमेरिकल एग्जाम्पल 9.9 देखते हैं, बराबर है क्या दिया एग्जाम्पल 9.9 में, चेक करो। फाइंड द पोजिशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस ऑफ कॉम्बिनेशन गिवन इन फिगर। अब देखना बेटा, अब सबसे पहले तो यहां पे जाएगा इसके पास जो 30 सेंटीमीटर वाला है, तो फॉर द इमेज फॉर्म्ड बाय फर्स्ट लेंस कितना होगा, 1/V1 माइनस 1/U1 इज इक्वल टू 1/F। इसका एफ दिया हुआ प्लस 10, तो 1/V1 माइनस 1/U1 कहाँ पे बनेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, माइनस 30 है क्योंकि दिया हुआ है, और 1/F दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। तो इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा V1 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर मतलब यहाँ पे प्लस 15 मतलब कहाँ पे बनेगा, एग्जैक्टली जहाँ पे ये तीसरी लेंस है ना, तीसरी लेंस एग्जैक्ट जहाँ पे तीसरी लेंस है ना, यहाँ पे आपका क्या बनेगा फर्स्ट इमेज। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड लेंस के बीच, फर्स्ट और सेकंड लेंस के बीच का डिफरेंस कितना है, फर्स्ट और सेकंड लेंस के बीच का डिफरेंस है 5 सेंटीमीटर। तो पहले लिख लेते हैं, दस इमेज फॉर्म्ड बाय फर्स्ट लेंस इज 15 सेंटीमीटर ऑन द राइट हैंड साइड, 15 सेंटीमीटर ऑन राइट हैंड साइड। तो हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर द, अब फर्स्ट के लिए इमेज, तो इमेज फॉर फर्स्ट लेंस एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड लेंस। और अगर आपके पास बेटा थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड हो तो बता सकते हो कि भाई इनके बीच के 15 सेंटीमीटर, अब यहां पे 5 है, तो U2 क्या हो जाएगा प्लस 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों प्लस 10, बिकॉज इस साइड है, इस साइड, तो U2 क्या हो जाएगा प्लस 10 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया, तो देयरफॉर फॉर सेकंड लेंस 1/V2 माइनस 1/U2 इज इक्वल टू 1/F2। अब देखो हमें तो V2 पता नहीं है, हमें U2 पता है 1/10, और इसका भी फोकल लेंथ क्या दिया हुआ है माइनस 1/10, तो माइनस 1/10, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो 1/V2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर V2 इज इक्वल टू क्या, इनफाइनाइट, क्योंकि V2 इज इक्वल टू 1/0 हो जाएगा, V2 इज इनफाइनाइट। अब V2 इज इनफाइनाइट मतलब क्या, अब वो जो V2 है, देयरफॉर इमेज ऑफ सेकंड एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर थर्ड लेंस, और वो भी देखो इनफाइनाइट आया है, तो इनफाइनाइट प्लस हो या माइनस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ में आया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए हम आगे देखेंगे, तो थर्ड लेंस के लिए, फॉर थर्ड लेंस 1/V3 माइनस 1/U3 इज इक्वल टू 1/F3। अब हमें तो V3 फाइंड करना है, 1/V3 माइनस 1/U3 कितना, इनफाइनाइट, और F3 चेक करो, F3 आपके पास प्लस 30 दिया हुआ है, तो 1/V3 माइनस 0 इज इक्वल टू 1/30, देयरफॉर सॉल्व करोगे तो V3 की वैल्यू कितनी आएगी 30 सेंटीमीटर, देयरफॉर फाइनल इमेज इज एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑन द राइट हैंड साइड, प्लस है इसलिए 30 सेंटीमीटर ऑन राइट साइड ऑफ थर्ड लेंस, मतलब देखो थर्ड लेंस है ना, उससे भी कितना हो जाएगा फाइनल इमेज यहां पे बनेगा कितना 30 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया, तो ऐसे ऐसे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं जो करने में भी मजा आता है और हमारा दिमाग भी खुल जाता है। ठीक है, सो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके, सो और न्यूमेरिकल थोड़े बहुत करने थे, बट कुछ ज्यादा ही न्यूमेरिकल्स हैं तो इस लेक्चर में नहीं लेता, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हो गए तो आपका वापस थोड़ा सा ब्रेन फ्यूज हो जाएगा, तो उससे बेटर है कि हम नेक्स्ट लेक्चर के लिए रखते हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट सब में कट है, तो इट विल हार्डली टेक 2 लेक्चर्स मोर
जिसमें हमारा ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रिज्म ले लेंगे, प्रिज्म वाले बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, एंगल ऑफ प्रिज्म और उसका डेरिवेशन है और फिर डिस्पर्जन बाय प्रिज्म और ये सारी चीजें हम करेंगे, ठीक है। बहुत सारा जो कट है वो मैं बता दूंगा आपको, फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स उसके बाद के लेक्चर में ले लेंगे, तो जिससे आपको क्लियर हो जाए। टिल देन स्टडी वेल एंड टेक केयर बेटा।